अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी, आवाज आ मैम रही है आज मेरी? हमारा जी मैम आज हमारा लास्ट लेक्चर है। जी बच्चों, आज लास्ट लेक्चर है। फिर लेक्चर्स फार्मा के खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये कि जब आप लोग लेक्चर वाइज हम खत्म हो जाएंगे लेक्चर्स, लेकिन जब तक मिड हो रहे हैं तब तक नहीं होंगे लेक्चर्स जो कि ऑनलाइन है। मिड के बाद जब आप लोग ऑन कैंपस पे आ जाएंगे, आई गेस 16 तक है आप लोगों के मिड, यस मैम। तो उसके बाद हम लोगों की दोबारा इसी टाइम पे क्लास होगी, ताकि हम थोड़े से सेशंस कर लें इस टाइम पे। या अगर कोई टाइम आप लोगों का और स्लॉट फ्री हुई तो ऐसे रख लेंगे, ताकि थोड़े से आप लोगों की रिवीजन हो जाए, कोई शॉर्ट प्रेजेंटेशंस वगैरह। ठीक है, ठीक है मैम। मैम मैंने आपसे एक और बात पूछनी थी कि जो हमने लेक्चर्स पढ़े हैं पीछे, उसके अंदर एक लेक्चर था एंटीबायोटिक्स वाला। उसके अंदर जी सेफेलोस्फोरिंस के अंदर जनरेशन्स थी, उनकी चार, और हर जनरेशन के काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे, नाम लिखे हुए थे सिंथेटिक ड्रग्स के। तो उसके अंदर जी से आपने बच्चे, कहा था कि जो इम्पोर्टेंट हैं सिर्फ वही याद करने, और आपने एक एक दो दो नाम बताए थे हमें। तो ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं उनकी जगह कोई और मेडिसिन के नाम एमसीक्यूज़ नहीं वगैरह में आ बच्चे, जाए? नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होगा। ऐसी कोई चीज नहीं पूछी जाएगी आप लोगों से। जो भी इजी चीजें हैं वही पूछी जाएगी। बच्चों, और असेसमेंट लेने का मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं आप लोगों का इम्तिहान लूं, कि फेल करूं आप लोगों को, ये शौक तो नहीं है। हमें तैयारी कराना मकसद है कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है या नहीं आई, और ये कि ये सब्जेक्ट पे आप लोगों की ग्रिप हो जाए, ये हम चाहते हैं। इस वजह से असेसमेंट ली जाती है। ये थोड़ी मकसद है कि फेल करें, इसलिए मुश्किल मुश्किल चीजें देंगे। यस मैम, मैम इस प्लीज तरह ड्रॉप स्क्रीन के दीजिए एंड पे, होते इस हैं। तरह वो लेक्चर नंबर 6 के एंड पे भी वो सिंथेटिक इंसुलिन के नाम लिखे हुए थे काफी ज्यादा। उनके भी ग्रुपिंग बनी हुई थी कि ये वाले इंसुलिन नहीं इसके बच्चे, लिए वो तो होता मैंने है। आपको बताया था कि नहीं, हाँ बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आप लोगों को करने की जरूरत है। चलो ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। जी सना बेटा, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैम हम आपका क्लास में वेट कर रहे हैं, आप क्लास में नहीं आई? नहीं बच्चे, आज मैं क्लासरूम से नहीं ले रही क्लास, आई एम रियली सॉरी। अगर आप लोग हैं क्लास में तो आप लोग बेशक यहाँ से ही सुन सकते हैं। ओके मैम, क्लास में हम ठीक है बच्चे, नहीं मैं आज क्लास में नहीं आई। ठीक है ओके मैम। मैम, प्लीज एसईक्यूज भी ना दें, सिर्फ एमसीक्यूज दे दें। यस मैम प्लीज। बच्चे पैटर्न जैसा है उसके हिसाब से ही देना पड़ेगा। ठीक है, मैम बाकी कुछ टीचर्स भी हैं जो सिर्फ एमसीक्यूज दे रहे हैं, एसईक्यूज नहीं दे रहे हैं। बेटा हमें तो जो पैटर्न कहा हुआ है सर ने उसके हिसाब से देंगे ना हम, तो अगर मैम दरअसल फार्मा में ड्रग्स के बच्चे ऐसी क्यूज आए तो फिर हमें बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा। ऐसे ऐसी क्यूज नहीं दूंगी जिसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में नाम या इस तरीके से लिखने पड़ी चीजें। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं आएंगे। अगर कोई आया भी तो टू दी पॉइंट आएगा। किसी का जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कोई फ्लो चार्ट है, इस किस्म की चीज अगर कोई है तो इस तरह के आएंगे। ऐसे ऐसी क्यूज नहीं आएंगे कि मुश्किल हो आप लोगों के लिए। मैम कितनी रिवीजन होगी एमसीक्यूज और इसमें एसीक्यूज में? बेटा अभी नहीं पेपर बनाया तो सोचा नहीं है, बनाते हुए सोचूंगी कि कितने एसक्यूज ऐसे बन सकते हैं जो आसान हो, जो इजीली किए जा सके, उसके हिसाब से देखूंगी। ठीक है मैम, ये ओके मैं जरूर अपलोड कर दूंगी। LMS अपना चेक करते रहिएगा पेपर से पहले भी, अगर मैंने उस पे कोई चीज और ऐड की इस तरह कि क्या पैटर्न है, कितने MCQ होंगे, कितने MCQ होंगे, या क्या चीज, इस तरह की कोई चीज मिली है मुझे, मैम। तो आप लोग जरूर अपना ना LMS चेक करते रहिएगा एमसीक्यूज पेपर से पहले, तो लाजमी। मैम, एमसीक्यूज जो सिनेरियो बेस्ड होंगे दूसरी ना वो चीज काइंडली कम ये दीजिएगा। कि एक कोशिश करूंगी। मैम आप थोड़ा सा आइडिया दे देंगे, आप एमसीक्यूज किस किस लेक्चर में से दे सकती हैं? बेटा मुझे अभी ना खुद नहीं पता ये बात, मैं देखूंगी सारे लेक्चर्स खोल के तो फिर मुझे पता चलेगा। अच्छा दूसरी चीज ये, दूसरे सेक्शन वाले बच्चों ने थोड़ा सा सिलेबस पे कहा है कि कोई एक लेक्चर कम कर दें, या वो चाहते हैं कि फिफ्थ लेक्चर से उनको है कि वो बहुत लेंथी है, वो नहीं है हमसे हो रहा, तो आप उसको निकाल दें या कुछ इस तरह का, या कोई और लेक्चर निकाल दें। तो वो अगर एट कोई निकाल रहे हैं, अगर नहीं बेटा कोई करना है कोई तो चेंज हुआ सिलेबस में जो बड़ा है वो वो भी कर निकाल दें दें। बेटा। यस मैम, जो बड़ा होगा ना वो
नेम ज्यादा हूँ काफी. यस मैम, यस मैम, एट वाला मैम वो एक्सक्लूड करते हैं फिर. मैम एट मत निकालें, ऑलरेडी हम लोग जो लेक्चर्स निकाल देते हैं उसको याद कर चुके हैं. निकालना बेवकूफी का काम है. जो हमने याद किए हुए, जो हमने याद नहीं किए हुए वो निकालना. मैम जो प्रिपेयर किए हुए हैं वो तो आ जाए तो फायदा ही है, कोई भी ना निकाले मैम. ठीक है, मैं तो खुद नहीं चाहती कि कोई भी निकालो, लेकिन दूसरे से हमारे बच्चे कह रहे हैं मैम फिफ्थ निकाल दे. मैम हमने वाइवा में भी उनकी ही तैयारी करनी है, फाइनल में भी करनी है, तो अच्छा है जितने प्रिपेयर हो रहे हैं उतनी अच्छी बात है. ऐसे करें सिक्स ही निकाल. मैम ये लोग तैयारी खुद भी तो कर सकते हैं, प्लीज बकाया के लिए आसानी कर दें, एक आधा निकाल दें. मैम मैम निकाल मैं देखूंगी कोई भी बच्चे, मैं देखूंगी जो भी चेंज हुआ ना सिलेबस में तो वो कल परसों तक अपलोड हो जाएगा LMS पे, तो वो भी आप लोग लाजमी देख लीजिएगा. ठीक है, सही है. अभी मैं खुद पहले देखूंगी कि कोई ऐसा लेक्चर ना मैं बीच से स्किप करूं जो कंटिन्यूटी में आ रहा हो. जो पहले आ चुके हैं वो तो जो पहले क्विज में हो चुके हैं बेटा, उनकी तो प्रेपरेशन आपकी हो चुकी है, और उनमें से पेपर बनाना भी डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें से फिर क्वेश्चन रिपीटेशन में आ रहे होते हैं. और मेरा भी ये ख्याल है कि जो अब आ जाए वो प्रिपेयर हो जाता है, तो अच्छा होता है कि कोई नया चैप्टर आप इंक्लूड कर लें. और जो हो चुके हैं मैं कह रही हूँ कि एट निकाल दें, आगे नाइन टेन हमारा होगा, बाकी हमारे नहीं हुए उनके क्विज, तो उनकी तैयारी हो जाएगी अच्छे से. मैंने भी इसलिए कहा था. हाँ जी बच्चे, मैं देख लेती हूँ ना कि कंटिन्यूटी के हिसाब से आ रहे हो आप लोग, प्रिपेयर कर रहे हो, तो बिल्कुल एक अजीब सी चीज ना बीच में आ जाए ना प्रिपेयर करते हुए, जो तरतीब चल रही हो उस तरह से चलती रहे. ठीक है, ये देख लूंगी मैं, उसके बाद मैं सिलेबस अपडेट कर दूंगी, वो आप लोग देख लीजिएगा. ठीक है मैम, इससे तो बेटर है कि आपने जो सिलेबस अभी दिया हुआ है ना वो एज इट इज रहने दे, 3 to 10 लेक्चर्स बिल्कुल ठीक है. बेटा मेरा भी अपना यही ख्याल है कि 3 to 10 लेक्चर्स ठीक है, लेकिन मैम आप 3 to 10 रहने दें प्लीज, और ना ही कोई फर्दर आप एक्सक्लूड करें, ना ही आप फर्दर कोई ऐड करें. मैम दूसरा सेक्शन कह रहे हैं, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि 6 निकाल दें क्योंकि हमने अपना भी देखना है. मैम अगर निकालना है तो वही निकाल सिलेबस अपडेट कर दूंगी. आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ कि उन लोगों ने भी मेरे ऊपर चॉइस छोड़ी है कि मैं देख लूँ एक दफा कि मैं कौन सा स्किप करूंगी बीच से, तो कोई मसला नहीं होगा. इसलिए ये कि आप लोग बस सिलेबस देख लीजिएगा कि अपडेट हो गया, ये ना कोई मुझे कहे कि है, मैं तो पता ही नहीं चला था. ठीक है, LMS पे चेक कर लीजिएगा कि क्या चेंजेस हुए हैं. स्टार्ट करते हैं लेक्चर. बच्चों आप लोगों को विजिबल है स्क्रीन? नो मैम. मैम
जी विजिबल है आप लोगों को स्क्रीन? यस मैम. स्क्रीन विजिबल है. हाँ जी, ड्रग इंटरेक्शन हम आज स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ड्रग इंटरेक्शन का मतलब ये है कि जो ड्रग जब हमने ली है वो बॉडी के अंदर गई है और उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, हमारी बॉडी उस पर क्या क्या एक्ट करती है, वो हमारी बॉडी के साथ क्या क्या करती है, और जो हम हमारी और चीजें बेवरेजेस वगैरह हमारी बॉडी के अंदर और उसका बिहेवियर उसके हिसाब से किस तरीके से चेंज हो रहा है. फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है एक ड्रग की जो कि कंकमिटेंट यूज ऑफ अनदर ड्रग या उसको हम कहेंगे ड्रग इंटरेक्शंस. अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हो गई, एक वो जिसकी एक्टिविटी ऑल्टर होगी और एक वो जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी एक्टिविटी ऑल्टर हो रही है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ड्रग. ठीक है, हम कहते हैं प्रेसिपिटेंट. वो ड्रग भी हो सकती है, वो फूड भी हो सकता है, वो कोई केमिकल एजेंट भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है. अब यहाँ पे ये चीज है कि जो ऑब्जेक्ट ड्रग है जब हमने वो बॉडी में ली, जब वो बॉडी में ली है तो जो प्रेसिपिटेंट है मे बी वो उससे पहले से बॉडी में प्रेजेंट हो, यानी कि जैसे फूड हो सकता है, या फिर उसके साथ ही लिया गया हो जैसे कोई और मेडिकेशन साथ में ली गई, या फिर उसके बाद लिया गया जैसे कि उसी टाइम ड्यूरेशन में कोई और मेडिकेशन या कोई ऐसी चीज जैसे कि अगर नहीं हम ले सकते डेयरी प्रोडक्ट्स और उसके साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स ले ली या अल्कोहल वगैरह ले ली जो कि उसके इफेक्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करिए, तो उसे हम प्रेसिपिटेंट कहते हैं. टाइप्स ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस क्या है? एक्सक्यूज मी मैम, ड्रग के फूड के साथ इंटरेक्शंस हैं, केमिकल्स के ड्रग के साथ इंटरेक्शंस हैं. जी बच्चे मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, डिस्टॉर्शन आ रही है, सही से समझ नहीं आ रही. जी बच्चे आवाज आ रही है मैम? डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा आ रही है, सही से आवाज नहीं आ रही. बच्चों सबको? यस मैम. बच्चों देखें, अच्छा जहां से मसला हो रहा हो आवाज का मुझे बता दीजिएगा. ठीक है, केमिकल के ड्रग के साथ इंटरेक्शंस हैं, ड्रग के लैब टेस्ट के साथ इंटरेक्शंस हैं, या फिर ड्रग के किसी डिजीज के साथ इंटरेक्शंस हैं. होगा क्या, नेट इफेक्ट क्या होंगे ड्रग इंटरेक्शंस के? क्वांटिटेटिव हो सकते हैं, यानी कि उसका इफेक्ट इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए. क्वालिटेटिव हो सकते हैं, क्वालिटेटिव का मतलब है या फिर कि उसका इफेक्ट या तो स्लोअर हो गया है या फिर रैपिड हो गया है, या फिर प्रेसिपिटेशन हो गई है, या उसके एडवर्स इफेक्ट्स इंक्रीज हो गए हैं. ड्रग इंटरेक्शंस मोस्टली अनडिजायरेबल हैं, हमें वो रिक्वायर्ड नहीं है कि वो करें, ऐसा इंटरेक्शन हो जिसकी वजह से हम जो ड्रग ले रहे हैं उसकी एक्टिविटी बढ़ना, तो हमारे अक्सर हम फायदों के लिए अपने यूज की है हमने, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है कि साइनर्जिज्म वगैरह जो हमने की है. लेकिन मोस्टली ये अनडिजायरेबल है, रेयरली डिजायरेबल भी होती है. जैसे हम इनहेंस कर देते हैं एक्टिविटी पेंसिलिन की जब हम उसे प्रोबेनिसिड के साथ देते हैं. देन हमारे पास है फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं ड्रग इंटरेक्शंस में. क्या क्या रीजंस हो सकती हैं, जैसे कि मल्टीपल ड्रग थेरेपी है, बहुत ज्यादा मेडिकेशंस एक साथ ली जा रही हैं, मल्टीपल प्रिस्क्राइबर्स हैं, वो इस तरीके से कि एक पेशेंट दो या तीन कंसल्टेंट्स को दिखा रहा है और वो आपस में एक दूसरे की ड्रग्स को काउंटर चेक नहीं कर रहे कि इनमें से कोई ऐसी जो मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रही हूँ वो कोई ऐसी तो नहीं है जो किसी और ने प्रिस्क्राइब की हुई है उनके साथ वो काउंटरैक्ट कर रही हूँ, या वो उनके साथ ऐसा इंटरेक्शन हो उनका. मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं ड्रग के, जैसे इसके एक एग्जांपल ये है कि सेलिसाइलेट्स हैं, जैसे एस्प्रिन है, उसके दो इफेक्ट्स हैं कि वो एनर्जेटिक एक्टिविटी के साथ साथ वो एंटीप्लेटलेट कोएगुलेशन भी करवाती है, यानी प्लेटलेट्स की कोएगुलेशन को स्टॉप करती है. ये उसका एक इफेक्ट और हो गया.
मल्टीपल डिजीजेस या प्रीडिस्पोजिंग इलनेसेस हैं, यानी कि एक पेशेंट दो या तीन डिजीजेस के लिए मेडिसिन ले रहा है और डिफरेंट वो है जिसकी वजह से उसकी ड्रग की अमाउंट भी बढ़ गई, उसके प्रेस्क्राइबर्स की भी बढ़ गई। पुअर पेशेंट कंप्लाइंस, यानी कि पेशेंट ने इस चीज़ का ख्याल नहीं किया कि अगर हमने एक ड्रग उसको दी थी कि 12 घंटे बाद लेनी है और दूसरी ड्रग उसके 4 घंटे बाद लेनी है, या जिस तरीके से भी वो इस चीज़ का ख्याल ना करे और रैंडमली उसको लेता रहे, या हमने किसी ड्रग का कहा ये खाने से पहले लेनी है, वो खाने से पहले नहीं ले, बाद में ले, इस तरीके से कंप्लाइंस है। एडवांसिंग एज, एज के साथ मेटाबॉलिज्म में डिफरेंस आता है, इसकी वजह से चेंजेस आ सकती हैं और ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन या उसकी मेटाबॉलिज्म वगैरह में चेंजेस आए हैं। मैकेनिज्म्स एंड ड्रग इंटरैक्शंस के वो तीन तरीके से हैं। पहला ये कि फार्मास्यूटिकल इंटरैक्शंस हो सकते हैं, फार्माकोडायनामिक इंटरैक्शंस हो सकते हैं, फार्माकोकाइनेटिक इंटरैक्शंस हो सकते हैं। कोई बताएगा मुझे व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक? जी बच्चों बताएं, जी बच्चों कोई बताएगा व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक? मैम मैकेनिज्म जिससे ड्रग की एब्जॉर्प्शन वगैरह होती है, एब्जॉर्प्शन होती है उसकी, उसके बाद मेटाबॉलिज्म एलिमिनेशन वगैरह होती है। यस मैम, उसकी किस तरह मूवमेंट होती है थ्रू आउट द बॉडी सिस्टम और किस तरह उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, उसकी डोजेज वगैरह सारा कुछ हम फार्माकोकाइनेटिक। ड्रग इनटेक से उसके मैकेनिज्म से उसकी एलिमिनेशन तक का जो प्रोसेस होता है। अच्छा, इस तरीके से है कि फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है कि हमारी बॉडी जो कुछ कर रही है ड्रग के ऊपर, ठीक है, उसमें एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म सब कुछ आ गया। और फार्माकोडायनामिक होता है कि जो कुछ ड्रग हमारी बॉडी के ऊपर कर रही है इफेक्ट्स। ठीक हो गया? यस मैम। अब हम चलते हैं फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शंस में। फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शंस का मतलब ये है कि एक ड्रग का दूसरे ड्रग के साथ, अब इसमें हमारी बॉडी इन्वॉल्व नहीं हो रही, ह्यूमन बॉडी में ड्रग अभी तक नहीं गई है, एक ड्रग का दूसरे ड्रग के साथ फार्मास्यूटिकली इंटरेक्शन हो रहा है। यानी कि अगर हमने ट्राई किया कि हम एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिला के इंजेक्ट करें एक ही वायल में या एक ही इन्फ्यूजन बॉटल में, और वो आपस में मिक्स नहीं हुए, या उन्होंने प्रेसिपिटेट्स बना दिए, या उन्होंने ऐसा कॉम्प्लेक्स बना दिया कि वो अब रेडी टू यूज ही नहीं रहा, ठीक है, या वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो हम उसको कहते हैं कि उनका आपस में फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शन हो गया, ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल ही नहीं है कि दी जा सके, या एक दूसरे में, या हम चाहते हैं कि हम उसको डिसॉल्व करके दें और उसकी डिसोल्यूशन ही नहीं हो, इस तरीके से कुछ भी चीज हो सकती है। इनकम्पैटिबिलिटी इसे कहेंगे, फिजियोकेमिकल इंटरेक्शन होगा जब मिक्स किया जाए तब होगा। फॉर एग्जाम्पल आईवी इन्फ्यूजन्स, जिनकी वजह से प्रेसिपिटेशन हो जाए या इनएक्टिवेशन हो जाए एक्टिव प्रिंसिपल्स की। एग्जाम्पल्स हैं इसकी एम्पिसिलिन, क्लोरप्रोमाजीन या बारबिट्यूरेट्स इंटरेक्ट करते हैं डेक्सट्रांस के साथ सॉल्यूशंस में और ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, केमिकल कंपाउंड्स बना देते हैं, ठीक है। ये सब कुछ बॉडी से बाहर ही हो रहा है। पेशेंट ने ड्रग नहीं ली, उससे पहले ही उसका इंटरेक्शन है, ये एक टाइप ऑफ इंटरेक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस। फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस में वो इंटरेक्शंस आ रहे हैं जो कि हमारी बॉडी के इफेक्ट्स हैं ड्रग पे। अब उनमें कौन कौन से आएंगे? ADME प्रॉपर्टीज जो है ऑब्जेक्ट ड्रग की वो ऑल्टर हो जाएंगी। ADME प्रॉपर्टीज, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। पहले ड्रग ने बॉडी में जाए, एब्जॉर्ब होना है, इनटेक की ड्रग जाएगी जहां भी उसने GIT से अप्लाई किया, व्हाटएवर IV दी है, कहां कहां तक। अच्छा सॉरी बच्चों,
जी बच्चों आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, हम बात कर रहे थे ADME प्रॉपर्टीज की, जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन है। जो ऑब्जेक्ट ड्रग है, हमने शुरू में बात की थी कि दो ड्रग्स होती हैं या दो एजेंट्स होते हैं हमारे पास। एक हमारी ऑब्जेक्ट ड्रग है जिसकी प्रॉपर्टीज ऑल्टर होंगी, और एक हमारे पास प्रेसिपिटेंट है जो ऑल्टर करेगा उनको। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शंस की। अच्छा, इन सारे इफेक्ट्स की वजह से क्या होगा कि जो प्लाज्मा कंसेंट्रेशन है ड्रग की, ऑब्जेक्ट ड्रग की, वो चेंज हो जाएगी और उसके जो बॉडी पे इफेक्ट्स हैं वो सारे इसकी वजह से ऑल्टर हो जाएंगे। सबसे पहले है एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शंस। उसमें क्या होगा कि जो एब्जॉर्प्शन है ऑब्जेक्ट ड्रग की वही ऑल्टर हो गई है, और इस इंटरेक्शन की वजह से फास्टर या स्लोअर हो जाएगी ड्रग की एब्जॉर्प्शन, या फिर या कंप्लीट नहीं होगी, या ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगी या लेस एब्जॉर्प्शन हो जाएगी जितनी हमें रिक्वायर्ड है, यानी कि ज्यादा एब्जॉर्प्शन में आ जाएगी। मेजर मैकेनिज्म क्या होंगे जो एब्जॉर्प्शन में डिफरेंसेस आएंगे? कॉम्प्लेक्सेशन यानी कि वो किसी के साथ कॉम्प्लेक्स बना देंगे, उसके साथ अटैच होके जीआईटी की पीएच में डिफरेंस आ गया, गट मोटिलिटी। बेटा बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, बेटा थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। मैम बहुत ज्यादा कट रही है, बिल्कुल वर्ड भी समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, ऑल्ट्रेशन हो सकती है, इनहिबिशन हो जाए। बेटे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैम आवाज नहीं ठीक आ रही। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? जी बच्चों स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? बच्चों आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? नो मैम। नो मैम। बच्चे नहीं विजिबल? मैम अभी तक तो नहीं है। मैम आप स्क्रीन शेयर हो रही है? जी आई एंजाइम्स की इनहिबिशन हो सकती है, ऑल्ट्रेशन हो सकती है, जी आई माइक्रोफ्लोरा।
या फिर मैलअब्सॉर्प्शन की वजह से डिफरेंसेस का. ठीक है, अब हम इसमें ये देखेंगे सबसे पहले कि जो हमने बात की एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे. कॉम्प्लेक्सेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन की हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ड्रग सिप्रोफ्लॉक्सासिन और पेंसिलिनामीन है और उसके साथ हमारे पास मौजूद है प्रेसिपिटेंट एंटासिड्स, फूड एंड मिनरल सप्लीमेंट्स जिसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन जिंक, कैल्शियम आयंस हो, तो ये क्या करेंगे कि उसके साथ पुअरली सॉल्युबल और अनअब्सॉर्बेबल एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे हैवी मेटल आयंस के साथ. ठीक है, जिसकी वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी. नेक्स्ट हमारे पास है ऑल्ट्रेशन ऑफ जीआईडी की पीएच. उसमें क्या होगा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ड्रग सल्फोनामाइड्स, एस्प्रिन, फेरस सल्फेट और उसके साथ हमारे पास प्रेसिपिटेंट्स अगर एंटासिड्स प्रेजेंट है तो एंटासिड्स क्या करेंगे यानी कि इनकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करा देंगे, जबकि अगर हमारे बायकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट है तो वो डिक्रीज डिसोल्यूशन करा देंगे और उसकी एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाएगी. देन हमारे पास गट मोटिलिटी है, इसमें क्या होगा कि हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट ड्रग एस्प्रिन, लेवरडोपा, मेक्सिलिटिन है और साथ में हम मेटोक्लोप, स्पीड अप हो जाएगी, रैपिड होगी और इंक्रीज रेट हो जाएगा एब्जॉर्प्शन का, जबकि अगर हम एनर्जिक्स लेते हैं तो डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होगी और डिक्रीज रेट हो जाएगा एब्जॉर्प्शन का. नेक्स्ट हमारे पास है जीआई माइक्रोफ्लोरा में और आ जाए, अगर हमने एंटीबायोटिक्स ली है और उसके साथ हमने डाइजॉक्सिन ली हुई है तो एंटीबायोटिक्स की वजह से माइक्रोफ्लोरा वो रिड्यूस हो गया जो हमें डाइजॉक्सिन की जो डाइजॉक्सिन को इनएक्टिवेट करने के लिए रिक्वायर्ड है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास है मैलअब्सॉर्प्शन, अगर हमने नियोमाइसिन ली है और साथ में विटामिन ए, बी 12 एंड डाइजॉक्सिन है तो ये इनहिबिट कर देता है उसके. पास आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन, इसमें क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन मेजर चेंजेस क्या आएंगी जो उनकी प्रोटीन बाइंडिंग है ऑब्जेक्ट ड्रग की. पीटिव डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन होंगे, क्या होगा कि हमने एंटीकोएगुलेंट साथ में लिए हैं तो वो क्या करेंगे इंक्रीज करा देंगे सॉरी बच्चों मेरी तरफ बहुत ज्यादा इंटरनेट का इशू हो रहा है. मैं ठीक है, हाँ जी एंटीकोएगुलेंट्स की हम बात कह रहे थे कि एंटीकोएगुलेंट्स हमने हमें देने का मकसद ये है कि हमारा क्लॉटिंग टाइम थोड़ी देर के लिए इंक्रीज हो जाए. ठीक है, ब्लड फॉरन से क्लॉट ना हो, हमें ये रिक्वायरमेंट है. लेकिन अगर हमने फिनाइलब्यूटाजोन और क्लोरल हाइड्रेट साथ में दे दिया, फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए क्लॉटिंग ना हो, लेकिन अगर हमारे पास ये अमाउंट बढ़ गई फिनाइलब्यूटाजोन या क्लोरल हाइड्रेट देने की वजह से जिन्होंने उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन उसकी जो है वो इंक्रीज हो गई है, उसकी वजह से क्या होगा कि वो ज्यादा शुरू करेगी नहीं होगी, जिसकी वजह
अपना एक्शन शुरू करता है क्या क्लॉटिंग नहीं होगी जिसकी वजह से फिर हेमरेज के चांस होती रहेगी। इसी तरीके से माइक के साथ अगर सल्फोना माइक्स दी हैं और वो अपना हाइपोग्लाइसीमिक एक्शन कर रही है और इसकी वजह से उसका हाइपोग्लाइसीमिक एक्शन बढ़ना शुरू हो गया तो ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट हमें अचीव हो जाएगा और वो पेशेंट के लिए खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन है। इसमें हमारे पास दो आते हैं, एंजाइम इंडक्शन या फिर एंजाइम जब एंजाइम इंडक्शन करा रहा है यानी कि रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है तो ड्रग की अमाउंट कम हो जाएगी यानी कि फौरन से उसके मेटाबोलाइट्स बन जाएंगे और जो हमारा एक्टिव एजेंट था जो हमें रिक्वायर्ड था वो कम हो गया। जबकि अगर एंजाइम इनहिबिशन है तो वो उसका मेटाबॉलिज्म स्लो करवा देगा, डिक्रीज रेट हो जाएगा मेटाबॉलिज्म का। और इस केस में फिर क्या होगा कि ड्रग की अमाउंट बॉडी में ज्यादा अवेलेबल होगी यानी कि जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसे फौरन से मेटाबोलाइज होके मेटाबोलाइट्स बन जाने चाहिए थे वो नहीं हो रहे तो वो एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद रहेगा बॉडी में जो फिर फैटल भी हो सकता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग मिल जाएगी बॉडी को। जब एंजाइम इंडक्शन हो रही है उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ट्यूमरिन्स, फेनिटोइन के साथ बार्बिट्यूरेट्स रहेंगे, डिक्रीज प्लाज्मा लेवल्स हो जाएंगे उसके और डिक्रीज एफिकेसी हो जाएगी ऑब्जेक्ट ड्रग की। इसी तरह अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के साथ रिफामिसिन लेंगे तो उसमें भी डिक्रीज प्लाज्मा लेवल्स हो जाएंगे। आप लोगों को समझ आ रहा है मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने से ड्रग के लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना? इसी तरीके से एंजाइम इनहिबिशन है थायरामिन रिच फूड के साथ मोनोमर्स लेंगे तो एनहांस एब्जॉर्प्शन होगी अनमेटाबोलाइज्ड थायरामिन की ज्यादा अमाउंट में मिल जाएगा। मैम आपकी आवाज जरा भी समझ नहीं आ रही है। मैम आप पिछले सेक्शन की हमें रिकॉर्डिंग भेज दें, ऐसे तो कोई फायदा नहीं हो रहा, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। जो आ भी रही है वो भी इतनी ज्यादा कट 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 के आ रही है।
शादियों के कोई समय मैम आप कुछ बोल रही हैं हम मैम आपकी जरा भी आवाज नहीं आई है मैम है ही नहीं क्लास में मैम आती हैं और फिर चली जाती हैं मैम आप कितनी बार कब से बिल्कुल भी जरा भी नहीं आवाज आ रही बच्चों मेरी वजह से इशू हो रहा है थोड़ा सा इंटरनेट का इस लेक्चर को हम दोबारा कवर कर लेंगे मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेजूंगी दूसरे सेक्शन वालों की और उसके अलावा ये कि इस लेक्चर को हम इंशाल्लाह एक दफा दोबारा भी कवर कर लेंगे जो आप लोग ऑन कैंपस आने अभी सिर्फ एक चीज जो समझने वाली है मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो मैम आप बोल रही हैं आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी देते हैं ठीक है बच्चों मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी और इस लेक्चर को हम फिर आगे से दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे ठीक है बच्चे मैं कह रही हूँ कि हम इसको दोबारा कर लेंगे लेक्चर को और रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को दूसरे सेक्शन की सेंड कर दूंगी मिड के बाद इसको हम दोबारा देख लेंगे लेक्चर को ठीक है ओके मैम ओके मैम बच्चों हम लोग मिड के बाद इस लेक्चर को दोबारा देख लेंगे अभी आप लोग लीव कर सकते हैं ओके मैम अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़